दोस्तों YouTube पर एक बक्स आया है जो कि आप लोग शायद जानते होंगे। ये 2 दिन से बक्स चल रहा है और आप बहुत से यूट्यूबर आपको बताए होंगे, आप सही किए होंगे, फिर भी आप में उसके बाद 1-2 घंटे के बाद फिर वही बक्स आ गया होगा। तो आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आने के बाद कभी फिर खराब नहीं होगा आपका बक्स। और ये बक्स क्या, मैं पहले इसकी जानकारी दे देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक से अधिक जीमेल चलाते हैं या एक से अधिक यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपका जो चैनल लॉगिन रहेगा तो वही लॉगिन शो होगा और बाकी का चैनल उस पर इरर दिखाई रहेगा, शो नहीं होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेंज करते हैं और ये कैसे सही होगा। तो मैं बता दूं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका चैनल डिलीट भी नहीं हुआ, ये केवल यूट्यूब का एक बक्स है। ये आप अपडेट करेंगे ऐप, वहाँ से सही हो जाएगा। ये स्टोरेज क्लियर चेंज कर देंगे, वहाँ से भी सही हो जाएगा। तो मैं आपको लाइव प्रूफ अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूँ इससे पहले एक बात कि आप अपना जीमेल का पासवर्ड या किसी भी चीज़ का पासवर्ड किसी को घोल के भी मत देना कि भाई लाओ मैं सही कर देता हूँ या ये वो कर देता हूँ, तो आप कभी मत देना। आप अपने पास रखो, आपके चैनल के साथ कोई धोखाधड़ी का काम नहीं हो रहा है, वो चैनल आपका आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या करना, जिससे आपका खराब नहीं होगा, वो जो बक्स है वो सही हो जाएगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद अपने ऐप्स पर आ जाना है, जहाँ पर आपका सारा ऐप रहता है। ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे यूट्यूब पे। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप जितना ऐप हो वो खोल सकते हैं। तो हम यूट्यूब पर आ जाएंगे। यूट्यूब पे आने के बाद हमें स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज पे यहाँ से देखो क्लियर स्टोरेज लिखा है, इसे क्लियर स्टोरेज करके ओके कर देते हैं। अभी देखो ये क्लियर स्टोरेज हो गया, यहाँ पर क्लियर चेंज लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम बैक चले जाते हैं। तो बैक आने के बाद हमें क्या करना है, अपना YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो हम YouTube को ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। चलिए अब अपना मैं दूसरा ID लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो नेट थोड़ा स्लो है तो टाइम लिया इसलिए। तो यहाँ से हो गया। अब हम कोने में अपने बैनर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इस तीर पर क्लिक करता हूँ। तीर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा तीनों ID यहाँ से शो हो रहा है। तो मैं जिस पे चाहूँ उस पर कर सकता हूँ। चलिए मैं इस पर करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोने में ये खुल गया है। तो आई होप गाइज आप ऐसा करके अपना जो ID नहीं खुल रहा है उसे ला सकते हैं। और ये ग्लिच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।